दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल सिलेप सागा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के 10 सबसे अमीर कमेंटेटर्स के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ईएन बिशप। ईएन बिशप का जन्म 24 अक्टूबर 1967 को वेस्ट इंडीज में हुआ और 2021 के हिसाब से 53 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईएन बिशप कमेंटेटर बनने से पहले वेस्ट इंडीज के लिए फास्ट बॉलर के तौर पर क्रिकेट खेला करते थे। बात करें ईएन बिशप की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से ईएन बिशप की नेटवर्थ है 13 करोड़ रुपीज। नंबर 9 पर है डैनी मॉरिसन। डैनी मॉरिसन का जन्म 3 फरवरी 1966 को न्यूजीलैंड में हुआ और 2021 के हिसाब से 55 ईयर्स के है। बात करें डैनी मॉरिसन की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से डैनी मॉरिसन की नेटवर्थ है 15 करोड़ रुपीज। नंबर 8 पर है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस का जन्म 29 सितंबर 1957 को इंग्लैंड में हुआ और 2021 के हिसाब से 63 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्क निकोलस बहुत सारे टी20 लीग जैसे कि पीएसएल, बिग बैश और सीपीएल में कमेंट्री करते हैं। बात करें मार्क निकोलस की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से मार्क निकोलस की नेटवर्थ है 17 करोड़ रुपीज। नंबर 7 पर है आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा का जन्म 19 सितंबर 1977 में हुआ और 2021 के हिसाब से 43 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आकाश चोपड़ा भारत के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं और वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आकाश चोपड़ा का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर ही रखा है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर क्रिकेट मैचेस और प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। बात करें आकाश चोपड़ा की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से आकाश चोपड़ा की नेटवर्थ है 25 करोड़ रुपीज। दोस्तों अगर आप आकाश चोपड़ा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 पर हर्षा भोगले। हर्षा भोगले का जन्म 19 जुलाई 1961 में हुआ और 2021 के हिसाब से 59 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर्षा भोगले बहुत पहले से ही कमेंट्री करते आ रहे हैं। बात करें हर्षा भोगले की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से हर्षा भोगले की नेटवर्थ है 29 करोड़ रुपीज। नंबर 5 पर है आशीष नेहरा। आशीष नेहरा का जन्म 29 अप्रैल 1979 में हुआ और 2021 के हिसाब से 41 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आशीष नेहरा इंडिया के लिए बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं। इस नेहरा आईपीएल में सीएसके जैसी टीम के लिए भी खेल चुके हैं। बात करें आशीष नेहरा की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से आशीष नेहरा की नेटवर्थ है 59 करोड़ रुपीज। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 पर है केविन पीटरसन। केविन पीटरसन का जन्म 27 जून 1980 को इंग्लैंड में हुआ और 2021 के हिसाब से 40 ईयर्स के है। केविन पीटरसन कमेंटेटर बनने से पहले इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला करते थे। बात करें केविन पीटरसन की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से केविन पीटरसन की नेटवर्थ है 62 करोड़ रुपीज। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 पर है इरफान पठान। इरफान पठान का जन्म 27 अक्टूबर 1984 को बड़ौदा में हुआ और 2021 के हिसाब से 36 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इरफान पठान इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 300 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं। बात करें इरफान पठान की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से इरफान पठान की नेटवर्थ है 67 करोड़ रुपीज। नंबर 2 पर है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को इंडिया में हुआ और 2021 के हिसाब से 71 ईयर्स के है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुनील गावस्कर इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। उन्होंने इंडिया के लिए खेलते हुए 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सुनील गावस्कर इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। बात करें सुनील गावस्कर की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से सुनील गावस्कर की नेटवर्थ है 180 करोड़ रुपीज। अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 पर है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर का जन्म 14 अक्टूबर 1981 में हुआ और 2021 के हिसाब से 39 ईयर्स के है। तो मैं आपको बता दूं कि गौतम गंभीर ने इंडिया के लिए क्रिकेट भी खेला है। वो आईपीएल में केकेआर टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, जहां पर उन्होंने केकेआर टीम को 2 बार टाइटल जिताया भी है। बात करें गौतम गंभीर की नेटवर्थ के बारे में, 2021 के हिसाब से गौतम गंभीर की नेटवर्थ है 207 करोड़ रुपीज। दोस्तों ये थी आईपीएल के 10 सबसे अमीर कमेंटेटर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।